स्वागत है सभी किसान साथियों को आपके अपने YouTube चैनल टेग एग्रीकल्चर पर। दोस्तों देख लेते हैं निम्बाड़ा मंडी के आवकों के साथ सभी जिन्सों के भाव। तो यहाँ पे चने में लगभग यहाँ पे 300 रुपये की तेजी आज देखने को मिली है, और सोयाबीन की अगर बात की जाए तो सोयाबीन में बाजार सामान्य देखने को मिला है। दोस्तों बात करेंगे गेहूँ के भाव की, तो लगभग निम्बाड़ा मंडी की तो आवक रही है 7,950 बोरी की। वहीं न्यूनतम जो भाव है 1625 से 2000 रुपये तक यहाँ पे बिका है। वहीं मक्के की बात करें तो जो मक्का होती है पीली मक्का, उसकी आवक रही है 340 बोरी की, वहीं बिकी है 1354 से 1424 रुपये तक। वहीं चने की बात की जाए तो चने की आवक रही 320 बोरी की, और चना बिका है 4101 रुपये से लगा करके यहाँ पे 5014 रुपये तक निम्बाड़ा मंडी में जो है चने बिके हैं। दोस्तों वहीं सरसों की बात करें तो 430 बोरी की आवक रही है, और सरसों न्यूनतम भाव रहा है 5301 से 5730 रुपये। दोस्तों बात करेंगे सोयाबीन की, तो आवक रही 710 बोरी की, और बिका है 5861 से लगा करके 6393 रुपये। यानी कि कल जो भाव था लगभग 6400 रुपये तक था, और आज जो भाव है लगभग 6393 रुपये। यानी कि बाजार सोयाबीन के जो है निम्बाड़ा मंडी के सामान्य देखने को मिले हैं। वहीं मूंगफली की बात करें तो 2080 बोरी की आवक रही है, और बिका है 5900 से 6550 रुपये, यानी कि 6550 रुपये तक आज ऊपर में जो है मूंगफली बिकी है निम्बाड़ा मंडी में। वहीं दोस्तों किन्नौर की बात करें तो आवक रही है 4 बोरी की, और बिका है 5326 रुपये से लगा करके 5402 रुपये तक, यानी कि 5326 रुपये न्यूनतम भाव रहा है किन्नौर का, और बिका है ऊपर में 5402 रुपये तक। और बात कर लेते हैं लहसुन की, तो आवक रही 420 बोरी की, और बिका है 1802 से लगा करके 6500 रुपये तक। दोस्तों 6500 रुपये जो लोड बिका है वो था फर्स्ट उटी का लोड, जो कि बहुत ही अच्छा लोड था, और बहुत ही बड़ा जो लड्डू फूल लड्डू माल है वो था, जो बिका है 6500 रुपये तक। दोस्तों बात की जाए वही जवार की, तो 51 बोरी की आवक रही, और बिका है 901 से लगभग 1460 रुपये तक यहाँ पे जवार बिकी है सबसे ऊपर में। वहीं बात करेंगे जो की, तो 320 बोरी की आवक रही है, और जो बिके हैं 1400 से लगा करके 1695 रुपये तक, यानी कि जो नया माल है वो 1695 रुपये तक यहाँ पे जो बिके हैं निम्बाड़ा मंडी में। दोस्तों बात करेंगे मेथी की, तो मेथी की आवक रही 170 बोरी की, और 5600 से लगा करके यहाँ पे 6881 रुपये तक मेथी बिकी है। तो मेथी में आज यहाँ पे लगभग 300 रुपये की तेजी हमारे को देखने को मिली है मेथी में। दोस्तों वहीं बात करेंगे अजवाइन की, तो बिका है आया है आवक 23 बोरी की रही है, और बिका है 6750 रुपये से लगा करके 13250 रुपये तक। 13250 रुपये जो लोड बिका है वो नया लोड था, नया माल था, जो कि हरे कलर में दाना था, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का साफ सुथरा माल था, वो बिका है 13250 रुपये तक। दोस्तों वहीं बात करेंगे ये सब बोल के, तो 84 बोरी की आवक रही है, और 8000 से लगा करके 9861 रुपये तक यहाँ पे इसबगोल बिका है, और 9861 रुपये जो माल बिका है वो नया माल था, एकदम साफ सुथरा माल था, जो कि उसके अंदर काला दाना बिल्कुल नहीं था। दोस्तों बात करेंगे अलसी की, तो अलसी की 78 बोरी की आवक रही है, 6300 रुपये से लगा करके 6703 रुपये तक यहाँ पे अलसी बिकी है, और अलसी में लगभग 300 रुपये की तेजी हमारे को देखने को मिली है। दोस्तों मक्का सफ़ेद आई है 12 बोरी, और बिका है 1359 रुपये से लगा करके 1400 रुपये तक। दोस्तों वहीं आड़त व्यवस्था की अगर हम बात करें, तो आड़त में गेहूं की आवक रही 184 बोरी की, और बिका है 1500 रुपये लगा करके 2020 रुपये तक यहाँ पे गेहूं बिके हैं। वहीं मक्का बिली आई है 32 बोरी, और बिका है 1200 रुपये से लगा करके 1331 रुपये तक। दोस्तों जो की बात की जाए, तो 56 बोरी की आवक रही, और बिका है 1470 से 1541 रुपये तक। दोस्तों चने की बात की जाए, तो 66 बोरी की आवक रही है, और 3300 से लगा करके 4740 रुपये तक यहाँ पे चना बिके है आड़त प्रथा में। और दोस्तों वही बात करेंगे मूँगफली की, 50 बोरी की आवक रही, और 5500 से लगा करके 6500 रुपये यहाँ पे मूँगफली बिकी है, जो कि सीधी खरीद व आड़त में कोई डिफरेंट नहीं है, 6500 उसमें बिकी है, 6500 यहाँ पर बिकी है। दोस्तों बात करेंगे मेथी की, 18 बोरी की आवक रही है, और बिका है 5300 से लगा करके 6301 रुपये तक यहाँ पे मेथी बिकी है आड़त व्यवस्था में। दोस्तों वहीं सरसों की बात की जाए, तो 14 बोरी की आवक रही है, 5300 लगा करके 5351 रुपये तक यहाँ पे सरसों बिकी है। और दोस्तों सोयाबीन की बात की जाए, तो 12 बोरी की आवक रही, और 5951 से लगा करके यहाँ पे 6060 रुपये तक जो है सोयाबीन बिकी है। वहीं इसबगोल की बात करें, तो 84 बोरी की आवक रही है आड़त व्यवस्था में, और बिका है 5000 से लगा करके 9500 रुपये तक।
दोस्तों इसी तरह की अपडेट रोजाना पाना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर हम निमच मंडी व निम्बाड़ा मंडी के भाव हमेशा अपडेट करते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ये थी जो कि निम्बाड़ा मंडी का हमें मेल मिला था और हम आज निम्बाड़ा मंडी में जा नहीं पाए, तो हमने सोचा कि आपको जो मेल मिला है उसी के द्वारा आपको यहाँ पे भाव प्रोवाइड कर दिया जाए। दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।